कैमरामैन ना कैमरामैन। हाँ तो गाइस यहाँ पे भाई हाथ मुंह धोते हुए कुछ काम जो नहीं तो आपको लुकवाने को नेटवर्क नहीं ना। ये गाइस नेचुरल पानी के साथ हाथ मुंह धोते हुए। तो भाई यहाँ पे क्या हुआ, क्या ऊपर कटा हमारा भाई? यहाँ पे सीन ये हुआ कि ऊपर भाई ने बोला था कि जैसे नीचे जाओगे आप 4 किलोमीटर नीचे, वहाँ पे आपको गर्मा गर्म पराठे मिलेंगे। और इसी के चक्कर में हम कितनी तेज़ी से भागे यार भाई, भागे कि नहीं भागे। अब यहाँ पे आके ये पोपट हो गया कि यहाँ पे तो पराठे बने ही नहीं। उसका रीज़न ये है, उस भाई ने किया कॉल अभी 10 मिनट पहले, तब तक हम यहाँ पीछे आ गए थे। अब कहेंगे भात दाल, अब ये है वहाँ पर भात और दाल बन रही है, खानी पड़ेगी। इसी से सुनते सुनिए अभी कोई नहीं। और यहाँ से अभी अब है 3 किलोमीटर, यहाँ से 3 किलोमीटर मंदिर है। और उसके बाद क्या हो रहा ब्रो? टाइम 1 बजे समझो, 5 मिनट रह गए 1 बजने में। 15 मिनट में खाना कुना हुआ, 15 मिनट जल्दी खाते हैं ना, रख तो उन्होंने रखाई है थाली पर, चलते हैं बड़ा चलो। तो कैसे देखो ये है इनका मरोड़ा जो कि प्यारा सा, बड़ी बात है यार, हमने इतने देखे ना वहाँ पर, मेरे को सबसे बढ़िया ये लगा। उसका रीजन ये, उन्होंने चारों तरफ से मिट्टी से होकर रखा ना, पोता हुआ है और बढ़िया लगा। और लकड़ी भी है भाई, बेटा को हम भी तो क्या कर सकते हैं सर्जरी हम मतलब उठी बटन लगा देता बोल नहीं करूंगी। अगर लेफ्ट साइड जाता मोड़ तो महाराज जी का मोड़, अच्छा अच्छा सुधर राज जी पर पूछा, अच्छा नहीं मेरे मोड़, अच्छा महाराज जी मोड़, तो हम जरा पेट के गांव के पार करने का पकड़ लो। अच्छा अच्छा सुबह से जोड़ मंदिर में ठीक है। सो गाइस खाना वाना खाने के बाद अब फिलहाल भाई अरुण भाई खाना खा रहा है, तो मैं अभी फिलहाल यहाँ बाहर की व्यू देखने के लिए आया हूँ कि कैसा लग रहा है। तो हमने खाया भात है, आए तो उम्मीद पराठे के उसमें थे, बट बात इसे संतुष्ट होना पड़ेगा, बट कोई नहीं सब ठीक है यार, बढ़िया जो मिले वो सही। तो वैसे ही देखिए अभी हमें इसके भी टाउन जाने, देखो टाउन यहाँ से ठीक है यार, यहाँ डाउन डाउन ही डाउन है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आएगा अरुण भाई बाहर फ्रॉम हर कोट कॉटेज। ये गाइस गढ़वाल की कॉटेजेस ऐसे होते हैं भाई, नेचुरल जिसको बोलते हैं ना, ये देखो ऐसे टकरीले बाहर होते हैं। ये लाइट सुन, अरे अपना रुण भाई हाथ धो के आ चुके हैं। सो गाइस पराठे तो खाए नहीं, और खाना खा के काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी टेस्टी दाल बनाई थी। सो अब यहाँ से जो मंदिर है ना वो रह जाता है 3 किलोमीटर, और मुझे लगता है शायद जंगल का ही रास्ता होने वाला है। और इस जगह की लोकेशन बताऊँ तो एकदम से मस्त है यार, उस साइड जंगल है, इस साइड भी जंगल है, यहाँ पे बुग्याल है, और ये सुंदर सगर। तो चलिए गाइस ये बढ़िया बना रखा है यानी तनु जाए पल्ली भी ना पल्ली में ना नहीं नहीं चाहिए पता। और गाइस ये लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था आपको जो निंगाल होता है ना उससे ये बनाते हैं, इसको गढ़वाली में बोलते हैं स्वेटी, जो कि काम आता है आपके घास घूस जाने ना, घास लेने के या पिल्दा पुल्दा बोले वो तो बनता है आपका धीरे धीरे। ये फर्स्ट स्टेज है, ये बांस लाए ना, इसको छिला, फिर इसको ऐसे किया, फिर उसके धीरे धीरे, बहुत लंबा प्रोसेस है, बहुत मेहनत लगती है और टाइम कंज्यूम करने के लिए सही है। मतलब जैसे आजकल के बच्चे पबजी खेलते हैं, ये उस टाइम के लोग इसमें अपना टाइम पास करते हैं कुछ उपयोग का, ये उस टाइम का पबजी है भाई। हाँ उस टाइम का टाइम पास है भाई, टाइम पास वो भी इन अच्छे तरीके में, अभी क्या थे बोले भैया कि 1.5 किलोमीटर कुछ कह रहे थे यहाँ से, वो कह रहे थे 1.5 किलोमीटर के बाद एक अत्रिमुनि आश्रम है, वहाँ पे एक गुफा है, और वहाँ से एक रास्ता डाइवर्ट होगा शायद, 300 मीटर होगी उसकी मेन रास्ते से जो दूरी है, और वहाँ से 1.5 किलोमीटर फिर मंदिर रह जाएगा, और देखेंगे पहले अगर वहाँ पे जाना होगा तो वहीं पे जाएंगे, ये तो वहीं पे जाके पता चलेगा कि क्या करना है। चिताबा ठीक है धन्यवाद। सो गाइस इस जगह का नाम था कांडई, और हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 1 बजे पहुँचे थे, और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 1:20, मतलब 20 मिनट में हम लोगों ने जो
सब कुछ करना था वो कर दिया, मतलब खाना खाना था वो खाना खा दिया। अब यहाँ से जो मंदिर है वो 3 किलोमीटर रह जाता है, और मुझे लगता है आगे जो रास्ता है पूरा जंगल वाला ही है। मुझे लड़ छोड़े हूँ तुम्हारी ऐसा ड्रामा मत यार ले तो ना चलो ले क्या चलो तो ऐसे भाई ने छोड़े लठे चले लेगा भाई लठे भाई ले तो आया के पास छोड़ में हुका ना 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 भाई तू आज से सो गाइस राज ने राम ये भाई ने अपने लठे छोड़ चुका है और लठे लेके आते हैं। सो गाइस भाई ने अपने लठे और मेरा भी लठा छोड़ चुके थे, तो हम जल्दीबाजी में लठे ही भूल गए। वो तो जब आफत आने लगी तो बोला गया लठे कहाँ गए, इसलिए बोलते हैं आवश्यकता हो तभी चीज़ों की वैल्यू होती है, नहीं तो ये गाई। चलो भाई फिर ही करिए भाई टूट जा ये पहाड़ी इलाके, अब किसको यहाँ से फटाफट अंदाजा लगा सकते हो डाउन टू वो भी वो। अभी अभी हमें पता चला ना भाई ऊपर पे कि जो बंगाली गए थे 7:30 बजे यहाँ से निकले थे वो आधे घंटे में बस जहाँ पे हम अभी हैं वहाँ पे पहुँच पाए थे, तो लगा लो हम 5 मिनट पहुँच गए पूरे यहाँ। यहाँ गाइस मेरे लट्ठी भी टूट टूट चुकी है देखो गाइस लट्ठी के हो चुकी है पूरे हाल, क्योंकि इतना दबाव पड़ा ना डाउन पे, जब डाउन जाते तो जोड़ देना पड़ता है क्योंकि फिसलने का डर नहीं होता फिर तो। जंगली जंगल क्रॉस कर रहे हैं और जंगली जंगल मिल रहे हैं हमें, ठीक है। और ये वाला लास्ट जंगल है, लास्ट नहीं है भाई इस बड़ा है, हम रोड में नहीं पहुंचे ना मंदिर को क्रॉस करने के बाद भी, तब तक ऐसे जंगल होगा ये भी है। और गाइस होता क्या है कि घर में टाइम निकलता नहीं है और यहाँ टाइम बचाना पड़ रहा है कि इतने टाइम में इतने यहाँ पहुँचना, क्योंकि टाइम हमसे आगे भाग रहा है भाई, है कि नहीं ब्रो। घर में होता है यार कुछ करना था टाइम पास नहीं हो रहा, टाइम पास जा रहा है, यहाँ टाइम भी बचाना पड़ रहा है भाई। कुल मिला के बात है टाइम हम लोगों से जल्दी भाग रहा है। एक्टिविटी करते रहो लाइफ में और क्या, फोन ही सब कुछ नहीं है यार, फोन कुछ टाइम तक ही सही लगता है भाई, उसके बाद फोन में भी दिमाग खराब होता है और कुछ नहीं होता। क्या होना इस जन्नत में पता चलेगा बहुत फोन की वैल्यू क्या है। बस घर से बाहर घूमते रहो यार, बस फोन ऐसा है, फोन अपनी जगह ठीक है, सोशल मीडिया अपनी जगह ठीक है, बट एक्सपीरियंस अपनी जगह सही है भाई। पर एक चीज़ है, मैंने स्टार्टिंग में हमने सही रास्ता पकड़ दिया तो उसके बाद कहीं भटकने की तो जरूरत नहीं पड़ी हमको, ऐसा कहीं मोड़ ही नहीं आया कि हम भटके होंगे। अत्री मुनि असम 12 किलोमीटर 50 मीटर तो चले तो चले हम अभी हम यहाँ चलते हैं। सो गाइस शायद लोग रहते होंगे ना ये गाइस और ये यहाँ पुल की तरह बांधा हुआ है कि जिससे ये इसलिए बांधा हुआ है क्योंकि जिससे ये पानी में बहे ना, सही है यार भाई साहब। तो गाइस एक्चुअल में आश्रम नहीं था ये, उनके रहने के लिए है आश्रम, अभी और भी आ गया है गाइस तो इसके ऊपर से जाना है तो, यहाँ से होते हुए आपका निकलेगा यहाँ से होते हुए ये यहाँ से आपको इसको चढ़ के आना पड़ेगा यहाँ से ये। जय हो अत्री मुनि बाबा की, जय हो जान से माता की। सके आजकल फिसलन है तो वाटरफॉल देखने के लिए जा रहे हैं हम, ओ भाई एपिक एपिक यार, जूते जूते पता नहीं लाने लाने वो मुझे नहीं पता, बट वो शायद वो गुफा है वहाँ। अत्री मुनि आश्रम पे और यहाँ का जो मेन है ना, यहाँ पे आपको सामने बिल्कुल रेड रेड दिखाई दे रहा होगा, अभी बरसात का टाइम है इस वजह से वहाँ जाना थोड़ा सा टफ है, नहीं तो यहाँ ऊपर से होके और वहाँ तक पूरा रास्ता बनाया गया है, लेकिन अभी बरसात की वजह से फिसलन होगी इस वजह से हम लोग जा नहीं रहे, तो बस यही था यहाँ आने का कारण। और ये आप देख रहे होंगे ना ये बारिश नहीं लग रही है, ये झरने से जो पानी उड़ रहा है ना ये वही है बारिश। तो भाई जैसा कहा जाता है कि जो यहाँ नीचे पे जहाँ पे साधु जी निवास कर रहे थे उससे थोड़ी सी आगे जो हमने आपको वाटरफॉल दिखाया वहाँ पे अत्री मुनि जी अपनी तपस्या करते थे और यहाँ पे उनकी पत्नी ने अपना निवास स्थान बनाया था। अभी वहाँ पे
हाँ, बरसात की वजह से वहाँ पे जो फिसलन थी ना वो ज़्यादा थी, इस वजह से हम लोग जो वहाँ पे जाते हैं पहाड़ों से होके वो गए नहीं, क्योंकि काफ़ी रिस्की था। तो बस अब वहाँ से वापस आके हम लोग जा रहे हैं अनसिया मंदिर की तरफ, लगभग 1.25 किलोमीटर है। मोड़ के बाद भाई ऐसा लगा कि पता नहीं क्या है वहाँ, वैसे वो पानी उड़ रहा ऊपर, पर मोड़ के आप आना चाहिए, मोड़ के बाद एक डरावना सा वो नहीं था सीन वहाँ पे। हाँ, तो यहाँ से 1.7 तो आपको आना चाहिए ऊपर झरने का व्यू देखने के लिए। तो चलो फिर से जंगल जंगल, बरसात के टाइम पे बिल्कुल ना आए और वहाँ पे चढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें यार, बरसात में जाने के लिए होगा ही नहीं, पानी इतना ज़्यादा होगा। ये यहाँ कभी आए भी नहीं, अभी फर्स्ट टाइम है यार। सोच रहे थे कि वहाँ से घूम के आएंगे, बट अच्छा हुआ कि यहाँ से आ गया, डाउन डाउन हो गया और शायद मंदिर आ गया। गाइस मंदिर, यो हनी सिंह, क्या है मंदिर देखते हैं, मंदिर ये होना चाहिए। बीच की बीच मंदिर यार,